शेर और लोमड़ी। किसी वक्त की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर था। वो इस जंगल का बहुत बड़ा बादशाह था और उसी की इस जंगल में पूरी जागीर थी। एक दिन वो बहुत ज्यादा भूखा बैठा हुआ है, लेकिन जब वो खाने के लिए निकलता है उसे खाने के लिए तो कुछ नहीं मिला और वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी गुफा नजर आती है जिससे वो सोचता है कि ये गुफा बहुत बड़ी है तो इसके अंदर जानवर भी बहुत बड़ा ही रहता होगा, और वो इस गुफा की तरफ आगे बढ़ता है। अब ये शेर उस बड़े जानवर को खाने की सोचता है और वो तरकीब सोचने लगता है कि किस तरह से मैं इस जानवर को खाऊं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इस गुफा के पीछे छुप जाऊं और जब वो जानवर इस गुफा में आएगा मैं उसे जल्दी से खा लूंगा। और वो इस गुफा के पीछे छुप जाता है। शेर जिसे इस गुफा का बड़ा जानवर समझ रहा था वो एक नाराज क्यों हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? लगता है तुमने कोई डरावनी चीज देख ली, कोई डरावना जानवर तो नहीं आया था जो तुम इतना डर रही हो? अच्छा तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी और मैं दूसरी गुफा ढूंढ लूंगी। तो इतने में पीछे से शेर सोचने लगता है कि अगर ये चली गई तो फिर मैं ये तो मेरे खाने के लिए आएगी ही नहीं, मैं इसे खाऊंगा कैसे? और वो गुफा बंद कर बोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि गुफा असली में ही बोलती है और ये बात मुझे आज ही पता चली। तो इसलिए शेर बोलता है